रीजिंग आउट टू स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेट दी सेंटर एंड स्टेट्स शुड वर्क टूगेदर एज टीम इंडिया टू सॉल्व नेशनल प्रॉब्लम लाइक दे हैव वर्क ऑन रिजोल्विंग इशूज लाइक द इंडो बांग्ला लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हिन्दुस्तान को स्टील के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में ये बनपुर की धरती ये बंगाल की धरती काम आई अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ने यहाँ की सरकार ने रोडे अटकाए होते तो एक काम संभव नहीं होता मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम मिलता है ये टीम इंडिया का सफलता का उदाहरण है कि आज हम देश को ये इकाई समर्पित कर रहे हैं ऑन दी ओकेजन प्राइम मिनिस्टर मोदी also गेव अ three पॉइंट mantra टू harness द पोटेंशियल फॉर टेकिंग इंडिया ऑन द पाथ ऑफ development. देश को विकास करना है तो धन कहां से आएगा धन कहां से पैदा होगा तीन प्रमुख जगह हैं हमारी उर्वरा भूमि से हम जितना ज्यादा मूल्यवान उत्पादन करें दूसरा हमारी खनिज संपदा उसमें एडिशन करके और तीसरा सवा सौ करोड़ देशवासियों की ताकत उनका हुनर हमारे नौजवानों की स्किल हमारे नौजवानों की बुद्धि हमारी ज्ञान शक्ति हमारी कौशल्य शक्ति वो रुपयों को पैदा कर सकती है द प्राइम मिनिस्टर सेट स्टेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम कोल ब्लॉक ऑप्शन अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टविंग कोल ब्लॉक विच विल ट्रांसफर द रॉयल्टी जनरेटेड फ्रॉम द दिन फॉर बेनिफिट ऑफ द लोकल्स कोयले के ऑप्शन में जो पैसा आएगा वो पैसा दिल्ली की तिजोरी में नहीं उस राज्य के खजाने में जाएगा एक फाउंडेशन बनाया जाएगा इस रॉयल्टी का कुछ हिस्सा उस फाउंडेशन में डाला जाएगा और वो पैसे उस जिले के नागरिकों की भलाई के लिए होगा ही he he delivered on ऑन promise प्रॉमिस ऑफ करप्शन फ्री गवर्नमेंट इन one वन इन ऑफिस पानी में घोटाला जमीन पे घोटाला आसमान में घोटाला घोटाले ही घोटालों की खबरें हम पूरी देर सुनते आते थे भाइयों बहनों आज एक साल हो गया दिल्ली में नई सरकार को अखबार में खबर आती है तो क्या आती है कोयले के घोटाले की खबर नहीं आती है खबर आती है तो कोयले की नीलामी की खबर आती है और एक लाख चौहत्तर हजार करोड़ के घोटाले को निकल करके आज तीन लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होने का खबर आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द पावर ऑफ यूथ इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ही सेड that as a result of 14th finance commission, the state government now gets 62% of the exchequer, while the centre gets remaining 38%. he said that in this situation, working together is important. he added that the government is committed to the development of the eastern region, and for that, west bengal needs to be strengthened. on the occasion, west bengal chief minister mamta Banerjee stressed on strengthening unity between the centre and the state to ensure overall development of the country. और जब हम बंटवारा करते हैं तो कंट्री टूट जाता है कभी दिल टूटना नहीं चाहिए आदमी आदमी में बंटवारा नहीं चाहिए राजनीति रहेगा डेवलपमेंट भी रहेगा फेडरल स्ट्रक्चर भी रहेगा सेंट्रल स्ट्रक्चर भी रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक साथ में हम कम करेगा तो यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ एंड डिवाइड इज फॉल एंड दैट्स वाई वी हैव टू स्ट्रेंदन आवर यूनिटी

तो इस पश्चिम बंगाल की धरती पर पैंतीस हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा यह निश्चित रूप से प्लांट रैम्प्टाइन मिलियन टन फ्रॉमियर पॉइंट एट फाइव मिलियन टन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ नाइन हंड्रेड एंड न्यू प्लांट इज इक्विप्ड विद लेटेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी With zero emission. With Divakar from Bardwan, Bureau Report, DD News.